फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी, मेरा गला थोड़ा ख़राब है, बहाने मार रहा हूँ ऐसे कर रहा हूँ. सो मेरा नाम हनान गिलानी है और लोग मुझे मौलवी कहते हैं फॉर द ऑब्वियस रीज़न. और वैसे तो मुझे पसंद नहीं है कि लड़कियाँ लड़के साथ बैठे हैं. असल में मेरे साथ नहीं बैठती ना, मुझे तो वैसे दो लड़के भी साथ बैठे नहीं पसंद. चाइल्डहुड मेमोरीज है मेरी कुछ. अच्छे लोग मुझे कहते हैं आपने दाढ़ी क्यों रखी है ना, दाढ़ी क्या रखने की ज़रूरत है, इतनी लंबी दाढ़ी क्यों बढ़ा ली आपने. असल में मैं पढ़ा हूँ गवर्नमेंट स्कूल से और हमारे सेग्रीगेटेड होते हैं सारे, तो लड़के मुझे तंग करते थे चिकना चिकना कह के, तो दाढ़ी रखना मेरी मजबूरी बन गई थी. तो एक दिन मैं अम्मा से पैसे लिए और मैंने जाके शेविंग क्रीम ली और रेज़र मारा, इतना रगड़ा, डेढ़ साल तक इसको मैं इतना रगड़ा कि आपको ऐसी दाढ़ी आती है ना मुझे. लेकिन ये जो हम गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होते हैं ना, ये बहुत सारे हरास होते हैं. आप में से कौन कौन गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ है? आप तो हरास करने वालों में से मुझे लग रहे हैं वैसे. लेकिन इसके बावजूद, मतलब इतने सारे मसाइल के बावजूद, हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल के लोग होते हैं बहुत लॉयल होते हैं. मैंने नोटिस किया ना कि हम लोग जो होते हैं वो, अगर ये फेमिनिज्म का वर्ड अगर आज से कोई 10-1 साल पहले फेमस होता ना इतना, तो सबसे ज़्यादा फेमिनिस्ट जो होते हैं वो मॉडल कॉलेज से निकल रहे होते हैं. और इतने लॉयल होते हैं कि मेरे ख्याल में हमारे जो IMCB स्कूल जो होते हैं, इनका नाम होना चाहिए था IMCL, इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज फॉर लॉयल्स या वो लॉयल्स. लेकिन मैं इतना लॉयल बंदा हूँ कि मेरी भी एक गर्लफ्रेंड बन गई. इट्स क्वाइट ऑब्वियस, ठीक है, बननी थी. मेरी गर्लफ्रेंड बनी तो मैं उसके साथ F9 पार्क में एक दिन बैठा हुआ था, तो उसके अब्बे को किसी ने शिकायत लगा दी. उसका अब्बा भाग के पहुंच गया और आते साथ मुझे कहा, मैं बैठा हुआ था उसके साथ, मैंने कहा आज तो बढ़ गए. आते साथ मुझे कहते हैं, मौलाना साहब ये मेरी बेटी किसके साथ बैठी हुई थी? मैंने यूं देखा, मैंने कहा बैठी हुई थी, भगा दिया मैंने उसको. अब तो मैं इसे बैठा समझा रहा हूँ, बेटा ऐसी गलती नहीं करते, गलत बात होती है. लेकिन मुझे उस दिन जहाँ इसकी ताकत का अंदाज़ा हो गया था कि आपकी गर्लफ्रेंड हो तो आप एक्वा मैन है, गर्लफ्रेंड के साथ छापा पड़ जाता तकवा मैन है. अच्छा, लेकिन उनको अंकल को मैं बहुत पसंद आ गया ना, मुझे वो घर ले गए. कहते हैं मौलाना साहब आप तो बड़े फिट बंदे, आप मेरे साथ घर चले. वो भी ज़रा रिलीजियस बंदे थे. जब उनके घर गया तो उन्होंने कहा मौलाना साहब मुझे फतवे देना. मैंने भी दे दिए 2-4 फतवे जो मुझे पता था, क्योंकि लॉयल बंदा हूँ, मैंने तो गर्लफ्रेंड चली थी. और हमारे फिर होटल का ख़र्चा भी कम हो गया, क्योंकि उसी घर में ही सीन हो जाता था हमारा. एक दिन क्या हुआ, उनके घर में जो है वो मौलाना साहब के साथ बाकी भी उनके बॉयज़ बैठे हुए थे, मैं भी बैठा हुआ था. तो मगरिब का टाइम हो गया, मौलाना साहब उन्होंने कहा, उनके जो फादर थे उन्होंने कहा कि मौलाना साहब आपका तो वज़ू होगा ना. उस दिन वज़ू तो क्या, गुसल भी नहीं था मेरा. अच्छा, मसला ज़्यादा गंभीर हो गया. कहते हैं मौलाना साहब आए जमात कराएं. मैंने कहा हम तो डूबे हैं सनम. लेकिन शुक्र है एक अंकल ने जीन्स पहनी हुई थी. मैंने कहा मैं जीन्स वालों की नहीं पढ़ाता. लेकिन ये बड़ा मुझे अब इस सारे टाइम में ना, क्योंकि मैं लॉयल बंदा था, उस बंदी ने मुझे छोड़ दिया. मैंने कहा रेशम क्या हुआ, क्यों मुझे छोड़ दिया? कहते बस दैट्स इनफ, बहुत हो गया. मैंने कहा हुआ क्या? कहते बस अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता. मैंने कहा हुआ क्या? कहते मेरे तुम्हारे बाल चुभते हैं. मैंने कहा अच्छा, वो मैंने छोड़ दिया उसे. लेकिन इस सब दौरान ना मैं उसके बहुत करीब रहा, इन मौलवियों के बहुत करीब रहा, तो मेरे पास चला कि मौलवी भी बहुत क्यूट होते हैं, उनका भी सोशल सर्कल होता है, वो भी गेम ऑफ थ्रोन्स देखते हैं, उनको नेटफ्लिक्स बहुत सस्ता पड़ जाता है, वो चंदा जमा करते हैं और उनको सस्ता पड़ जाता थोड़ा बहुत. लेकिन जब मैंने उस बंदी को छोड़ दिया ना, तो मैंने कहा मसला कहाँ पे है. मैंने पढ़ाई करना शुरू कर दी और मैंने रिसर्च करना शुरू कर दिया कि अंकल ये मतलब मसला कहाँ पे है, कि क्यों हमारी सेग्रीगेशन हो रही है इतनी ज़्यादा ये पढ़ाई के बारे में. और मैंने रिसर्च की तो मैंने देखा तो हमारी सोसाइटी के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर बहुत सारे फ्लॉज हैं, स्पेशली जो पाकिस्तान सिटीज़ के हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत गलत पढ़ाए जाते हैं. उनमें से एक कॉन्सेप्ट जो हमें बचपन से पढ़ाया जा रहा है वो है टू नेशन थ्योरी का. हमें बचपन से पढ़ाया गया कि टू नेशन थ्योरी है, पाकिस्तान मुसलमान और हिंदू दो अलहदा कौम है और वो साथ नहीं रह सकती. सरासर झूठ पढ़ाया गया था हमें. असल में स्टोरी ये थी कि एक पाकिस्तानी कौम है,
और बाकी पूरी दुनिया है। ये दो अलहदा कौमें साथ कभी नहीं रह सकती। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट का जो है ना, वो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह को अंदाज़ा हो गया था। उन्होंने कहा सबसे पहले इनको तो बंद करते हैं ना, फिर बाकियों का कुछ देखते हैं। तो उन्होंने ना, मैंने रिसर्च करना शुरू कर दी। मैंने कहा क्यों पाकिस्तानी क्यों डिफरेंट है बाकी कौमों से। मैंने रिचर्ड डॉकिंस को पढ़ा, मैंने स्टीफन हॉकिंग्स को पढ़ा, मैंने 50 Shades of Grey पढ़ दी। अच्छा, मुझे फिर भी नहीं अंदाजा हो। फिर मैंने जाके डार्विन की थ्योरी पढ़ी। जब मैं डार्विन की थ्योरी में गया तो डार्विन की हर किताब के अंदर ना वो एक बंदर की तरफ रेफर करता था। मैंने उस बंदर के बारे में पढ़ना शुरू किया। मैंने कहा कौन था ये, एवोल्यूशन में क्या मसला आया। वो बंदर कोई 3.5 मिलियन ईयर अगो ना वो बंदर, उसकी डेथ हुई थी, वो पैदा हुआ, और बड़ी उसकी स्टोरी थी। कोई 10 किताबें उस पर लिखी हैं डार्विन ने, आप जाके सर्च कर सकते हैं। मैंने तो पढ़ाई की है उसके ऊपर। तो मैं जब उसकी जगह पढ़ा तो पता चला कि डार्विन जो बंदर था उसका नाम था पाकू। अच्छा, जो पाकू था ना उसने जंगल में मचाया होता था। उसका काम होता था कि दूसरी लड़कियों की जाके पुंडी करना, बंदियों की पुंडी करना, और अपने दरख्त से बैठ के तंग करना। तो पूरे जंगल वाले बहुत तंग आए हुए थे उनसे। तो उन्होंने क्या किया कि जो उस वक्त के उलमा थे ना, उन्होंने पाकू को बुलाया और पाकू के पेरेंट्स को बुलाया और उन्होंने कहा कि इसका स्टूल टेस्ट करवाया जाए। जब पाकू का स्टूल टेस्ट हुआ तो पता चला कि पाकू के अंदर एक कीड़ा पाया जाता है। और उन्होंने कहा कि ये कीड़ा जो है ये आगे ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए, हमारी सारी एवोल्यूशन आगे ख़राब हो जाएगी। लेकिन पाकू इतना हरामी था, उसने इधर उधर मुँह मारता रहा। और जो आगे कौम बनी पाकू की, वो पाकिस्तानी कौम बनी। अब वो कीड़ा हम सब में पाया जाता है। वो कीड़ा मेरे अंदर है, वो कीड़ा आप सब के अंदर है। ये आदिल जावेद में दो हैं। तो इस थ्योरी के बारे में जब कायद अजम को अंदाज़ा हो गया था, अंग्रेज़ों ने कायद अजम को बुलाया और 1930 के अंदर एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। और आप लोगों को पता होगा, गलत पढ़ाया था आप लोगों को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। असल में ये हुआ था 93 में उन्होंने पूरी दुनिया के एम्बेसडर्स को बुलाया, कायद अजम को बुलाया। उन्होंने कहा कायद अजम ब्रो, व्हाट द हेल यार, कुछ करो इन लोगों का यार। फिर कायद अजम वापस आए 1947 में, उन्होंने मेहनत करना शुरू की और इस तरह 1947 में पूरी दुनिया पाकिस्तान से आज़ाद हो गई। और ये जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं ना, एक स्टोरी, यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, ये पाकिस्तानियों ने नहीं बनाया था, ये दुनिया वालों ने बनाया था। ऐ कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान।